अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, आज हमारा इंग्लिश पी का फोर्थ लेक्चर है सेकेंड टर्म का। हमने अब तक 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर है 4 इंग्लिश पी का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे जो कि पेज नंबर 40 से 45 तक है। उसके बाद हमारी स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है। फिर हम एप्लीकेशन करेंगे टू द मैनेजर ऑफ द स्कूल टू हायर अ स्कूल बस फॉर द ट्रिप, यानी कि आपने स्कूल के मैनेजर को एप्लीकेशन देनी है कि आपने ट्रिप पर जाना है और उसके लिए वो आपको एक बस जो है वो किराए पर हासिल करके दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक वर्क करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 40 है। मैंने पहले ही मैंशन कर दिया था कि पेज नंबर 40 से 45 ऑनवर्ड्स तक हमने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज रीड करना है। आप साथ साथ अपनी बुक्स पर इनको मार्क करते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास ए है, चूज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि आपने सूटेबल वर्ड सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग लगाकर उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, सम पेस्टिस द लीव्स एंड डैश द प्लांट्स, तो ये ऑलरेडी पेस्टिस है, इसके साथ ईट लगेगा। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको दो वर्ड दिए गए हैं, ईट एंड ईट्स, तो आपने इसमें ईट लगाना है। द लीव्स एंड रियोन द प्लांट्स, ठीक है, यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, आपने रियोन को क्लिक टिक करना है और यहाँ पर ईट को करना है। सम पेस्टिस ईट द लीव्स एंड रियोन द प्लांट्स, दिस मार्किट डैश टू द पीपल हु डैश इन दिस एरिया, दिस मार्किट कैटर्स टू द पीपल हु लिव एंड लिव्स इन दिस एरिया, तो ये बनेगा सेंटेंस, दिस मार्किट कैटर्स टू द पीपल हु लिव इन दिस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 है, द गार्डनर केयरफुली डैश सीजनल वराइटीज ऑफ फ्लावर, यहाँ पर दो वर्ड हैं, प्लांट एंड प्लांट्स। द गार्डनर केयरफुली प्लांट्स सीजनल वराइटीज ऑफ फ्लावर्स, द ऑफिसर डैश द कार केयरफुली, ड्राइव और ड्राइव्स, द ऑफिसर ड्राइव्स द कार केयरफुली, डायना एंड डेविड डैश देयर पार्टीज इन देयर लॉन, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइजेस, डायना एंड डेविड ऑर्गेनाइज देयर पार्टीज इन देयर लॉन। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, द मेन वर्ब फाइनेट इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन अ नंबर एंड पर्सन, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सब पढ़ाया था फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब, उसमें मैंने फाइनेट वर्ब की डेफिनेशन आपको करवाई थी, वो ये थी कि जो फाइनेट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है और नंबर और पर्सन के साथ भी उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है और वो उनके साथ भी एग्री करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, When the subject is a noun or pronoun, जब एक subject जो है वो noun या pronoun होता है, the verb takes from which agrees with the person and numbers, तो जो verb लिया जाता है वो उसके person और number के साथ agree होगा तो वो वहाँ पर उसके according ठीक रहेगा। When the subject is a phrase or a clause, the verb takes a from which agrees with their person singular, यानी कि जब कोई subject, phrase या clause होगा तो उसका जो वर्ब होगा वो उसके पर्सन के सिंगुलर होने के साथ एग्री करेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, माय आंट एंड अंकल लिव इन फ्लोरिडा। ठीक है, आगे अब जो हमने करनी है एक्सरसाइज बी, उससे पहले हम कंपाउंड सब्जेक्ट की डेफिनेशन रीड करेंगे, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स यानी इसम से मिलकर बनता है, और प्रोनाउन्स दैट आर कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कनेक्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कंजंक्शंस जो होते हैं वो आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बट ऑल्दो वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की भी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको वो भी रीड करवा देती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, ठीक है,
जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो एक ही सेंटेंस में यूज़ होते हैं, लेकिन वो दोनों साइडों पर इक्वल इम्पॉर्टेंस यानी कि बराबर की अहमियत रखते हैं। यानी कि अगर एक सेंटेंस है तो वो दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं, और जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले के बिना कंप्लीट नहीं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो कंजंक्शंस हैं वो दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑल्दो, बट, एंड, और, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर है व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब। जब दो नाउन्स या प्रोनाउन्स या वो कनेक्ट होते हैं तो जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल यानी कि जमा का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है वो रेफर्स करता है वन आइडिया, पर्सन, थिंग और समथिंग को, यानी कि जो कोई एक सिंगुलर चीज़ हो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो रेफर करेगा। द फेमस पोइट, फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड सब्जेक्ट मेड ऑफ प्लूरल नाउन्स, वो कंपाउंड सब्जेक्ट जो जमा के नाउन यानी कि जमी इस्मों से बना हो और प्रोनाउन से बना हो, दैट आर कनेक्टेड बाय और नॉट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो वो या तो सिंगुलर वर्ब नहीं लेता, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है अ कंपाउंड सब्जेक्ट मेड अप ऑफ सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन, एक कंपाउंड सब्जेक्ट वाहिद नाउन और प्रोनाउन से बना हो, ठीक है, दैट आर कनेक्टेड बाय और नॉर, जो और नॉर से जुड़ा हो तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जब एक कंपाउंड सब्जेक्ट है वो सिंगुलर यानी कि वाहिद या जमा के नाउन से बना हो, दैट आर कनेक्टेड, जो जुड़े हों बाय आइदर और नाइदर, नॉर और नॉट ओनली, तो जो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आइदर, नाइदर, नॉर और नॉट ओनली के वर्ड्स यूज़ हों और बट के भी, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट, तो उसका जो नाउन है वो उसके साथ रिलेट करेगा जो वर्ड उसके बहुत ज़्यादा क्लोज और सूटेबल होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमने एक्सरसाइज नंबर अब भी करनी है, ठीक है। आइदर मिस्टर ब्लॉच और मिस्टर अली आर रॉन्ग, ये दो हैं लेकिन दोनों में से कोई एक, तो आर की जगह इज लिख देंगे, आर को आप कट करेंगे और ऊपर इज लिख देंगे, आइदर मिस्टर ब्लॉच एंड मिस्टर अली इज रॉन्ग। मिसिज वाजिद द डायरेक्टर ऑफ टू स्कूल्स वर द चीफ गेस्ट, वर्ड नहीं आना क्योंकि वो सिंगल पर्सन है ना, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, वर को आप कट करके वॉज लगा देंगे। मिसिज वाजिद द डायरेक्टर ऑफ टू स्कूल्स वॉज द चीफ गेस्ट। माई बेस्ट फ्रेंड एंड मोस्ट सीवियर क्रिटिक आर माई सिस्टर, तो देखें उसकी एक बेस्ट फ्रेंड और एक ही सिस्टर है, तो यहाँ पर आर की जगह इज़ हो जाएगा। माई बेस्ट फ्रेंड एंड मोस्ट सीवियर क्रिटिक इज़ माई सिस्टर। आइदर द टीचर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू टेक द डिसीजन, देखें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उसके साथ हैज़ नहीं, हैव लगाया जाता है, और यहाँ पर आइदर भी है। आइदर द टीचर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू टेक द डिसीजन। आई एम क्वाइट श्योर दैट द डॉग और द कैट हैव ईटन अप द कुकीज। आई एम क्वाइट श्योर दैट द डॉग और द कैट हैज़ ईटन अप द कुकीज। Either the police or the citizens has to be on guard. Either the police or the citizens have to be on guard. Neither the residents nor the president of the society is worried. इसमें कोई changing नहीं होगी। जो sentence number आपका 7 है students, ये आपका as it is बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी changing नहीं की जाएगी। Does Gracie and Daisy walk to school? Does नहीं आएगा क्योंकि ये दो पर्सन है जो स्कूल की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Do Gracie and Daisy walk to school? Not only Sara and Dua but also Geeti want to read this book. Not only Sara and Dua but also Geeti wants to read this book. Sentence number last है आपके पास 10। Neither an ambulance nor two private vehicles has been called. तो has नहीं आएगा students, यहाँ पर have आ जाएगा।
एक्सरसाइज नंबर जो सी है वो हमने नहीं करनी। अब हमारा पेज नंबर 44 है, इस पर हमने एक्सरसाइज नंबर डी भी नहीं करनी, हम एक्सरसाइज नंबर ई करेंगे जो कि है लेट्स रिवाइज। चूज द करेक्ट वर्ब टू कम्प्लीट द गिवन सेंटेंस। हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो गिवन वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से जो करेक्ट है उसको हमने टिक करना है और जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक है उसको देखना है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ वाज वर हैप्पी अबाउट द डिसीजन। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ वर हैप्पी अबाउट द डिसीजन। अ कमेटी हैज़ हैव बीन फॉर्म्ड टू इलेक्ट द न्यू प्रेजिडेंट। अ कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू इलेक्ट द न्यू प्रेजिडेंट। थर्ड सेंटेंस है वेयर इज आर माई स्लीपर्स। तो वेयर आर माई स्लीपर्स। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज आर टू ओल्ड एंड ब्लंट। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज टू ओल्ड एंड ब्लंट। मोस्ट ऑफ द फूड ऑन द टेबल इज आर हॉट। मोस्ट ऑफ द फूड ऑन द टेबल इज हॉट। Most of the painting of the wall was were done by the young workers. Most of the painting of the wall was done by the young workers. None of the dresses which he liked was were affordable. None of the dresses which he liked was affordable. Sentence number 8 hai. Three men in a boat डैश अ ह्यूमरस बुक बाय जॉम के जॉम। थ्री मैन इन अ बोट इज अ ह्यूमरस बुक बाय जॉम के जॉम। नाइन सेंटेंस है द इंटरनेट एंड द मोबाइल फोन डैश गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पर पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है एक ही है, यहाँ पर द इंटरनेट एंड द मोबाइल फोन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सेंटेंस नंबर 10 है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डैश डिस्कस्ड बाय द टीचर इन द क्लास टुडे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड बाय द टीचर इन द क्लास टुडे। एक्सरसाइज नंबर एफ भी स्टूडेंट्स हमने नहीं करनी। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, हमने जो ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो ट्रू है यानी कि जो टिक है वो या जो राइट है वो हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। बीइंग होनेस्ट व्हेन डीलिंग विद अदर पीपल डैश ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। यहाँ पर है आर एंड इज, तो पीपल इज। Being honest when dealing with other people is always the right thing to do. What surprises me the most, their indifference to such a great proposal. Are and is. तो यहाँ पर is लगाएंगे. What surprises me the most is their indifferences to such a great proposal. Not only the teachers but also the principal in agreement with the suggestions made by the school captain. Captain was or were दो लिखे हुए हैं। Not only the teachers but also the principal was in agreement with the suggestions made by the school captain. ठीक है, फोर सेंटेंस है द बिल्डिंग अलॉन्ग विद ऑल द शॉप्स एंड ऑफिसेस डिस्ट्रॉयड इन द फायर। वाज एंड वर है तो यहाँ पर वाज आएगा। The building along with all the shops and offices was destroyed in the fire. My parents as well as my siblings dash picnics like. My parents as well as my siblings like picnics. Two class teachers with their students in the language lab. आर और इज हैं तो यहाँ पर आर आएगा। टू क्लास टीचर्स विद देयर स्टूडेंट्स आर इन द लैंग्वेज लैब। द प्रिंसिपल एज वेल एज द वाइस प्रिंसिपल डैश इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स नाउ। आर एंड इज, यहाँ पर इज आएगा स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल एज वेल एज द वाइस प्रिंसिपल इज
इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स नाउ. सेंटेंस नंबर 8 है, आइदर द जर्नलिस्ट और द पुलिस कमिश्नर डैश गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक इज़ और आर. तो यहाँ पर इज़ आएगा. आइदर द जर्नलिस्ट और द पुलिस कमिश्नर इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. नीदर द चीफ ट्रेनर नॉर हिज असिस्टेंट गिवन द प्लेयर्स एनी इंस्ट्रक्शन सो फार. हैज़ और हैव, तो यहाँ पर हैव आएगा. नीदर द चीफ ट्रेनर नॉर द असिस्टेंट हैव गिवन द प्लेयर्स एनी इंस्ट्रक्शन सो फार. लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द ट्रेनर टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम. नीड्स और नीड, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द ट्रेनर नीड्स टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा बुक वर्क कम्प्लीट हो गया, अब हम स्टोरी करेंगे. स्टूडेंट्स हमारे पास स्टोरी है, अ फार्मर एंड हिज थ्री सन्स, एक किसान और उसके तीन बेटे. अ फार्मर हैड थ्री सन्स, एक किसान के तीन बेटे थे. दे ऑलवेज क्वर्ल्ड विद वन अनदर, वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या झगड़ते रहते थे. ही एडवाइज्ड देम, उसने उन्हें नसीहत की, नॉट टू क्वर्ल, कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें. बट दे वुड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन वो उसकी बात ना सुनते थे. दिस पेन हिम वेरी मच, ये बात उसे बहुत तकलीफ देती थी. वन डे, एक दिन ही फेल सीरियसली इल, वो बहुत सख्त बीमार हो गया. ही सेंट फॉर हिज सन्स, उसने अपने बेटों को कहला भेजा. वैन दे केम, जब वो आ गए. ही आस्क देम, उसने उन्हें कहा. टू ब्रिंग सम स्टिक्स, के वो कुछ लकड़ियाँ या छड़ियाँ लेकर आए. ही टाइड स्टिक्स इन टू अ बंडल, उसने उन लकड़ियों को एक गड्ढे में बांध दिया. देन ही आस्क, फिर उसने उन्हें कहा. देम टू ब्रेक द बंडल, के वो उस गड्ढे को तोड़ें. दे ट्राइड वन बाय वन बट फेल्ड, उन्होंने एक एक करके कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए. द फार्मर देन अनटाई द बंडल, फार्मर यानी किसान ने फिर उस बंडल को, गड्ढे को खोल दिया. ही गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ देम टू ब्रेक, उसने एक लकड़ी फिर उनमें से एक को दी तोड़ने के लिए. दे ब्रोक स्टिक्स ईजीली, उन्होंने आसानी से उसको तोड़ लिया. ही देन एडवाइज देम, उसने फिर उन्हें नसीहत की. इफ़ दे वर यूनाइटेड, कि अगर तुम इकट्ठे रहोगे लाइक द स्टिक्स, लकड़ियों की तरह. नो वन वुड हार्म देम, तो तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. दे एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस, उन्होंने उसकी नसीहत पर अमल किया. एंड लिव्ड पीसफुली और अमन व अमान से रहने लगे. मॉरल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है. स्टूडेंट्स अब हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ स्कूल. स्कूल के मैनेजर को आपने एप्लीकेशन लिखनी है बस सर्विस के लिए, इन्फॉर्मिंग दैट यू वांट टू हायर अ बस, कि आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं और आपने उसके लिए एक बस लेनी है. सबसे पहले आप मैनेजर लिखेंगे, कॉमा, स्कूल बस सर्विस, फुल स्टॉप. रिस्पेक्टेड सर, इट इज़ स्टेटेड दैट, ये बयान किया जाता है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, कि मैं क्लास 7th का शागिर्द हूँ. आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ. टू अरेंज अ बस फॉर अ ट्रिप, के हमें ट्रिप के लिए, सैर के लिए एक बस का बंदोबस्त करके दें. वी आर गोइंग टू हिरन मीनार शेखुपुरा, हम शेखुपुरा हिरन मीनार जा रहे हैं. वी शैल गो ऑन कमिंग सैटरडे 13 सितंबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. हम आने वाले हफ्ते की 13 तारीख, सितंबर की 13 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ से रवाना होंगे. बस शुड बी रीच 30 मिनट्स बिफोर गिवन टाइम, बस को दिए गए टाइम से 30 मिनट पहले पहुँचना चाहिए. काइंडली अरेंज द बस एंड इन्फॉर्म अस, ब्राय मेहरबानी बस का बंदोबस्त करें और हमें इत्तला दें. वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, आपके इस फेवर के लिए या आपके इस मेहरबानी के लिए मैं आपका या हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे. योर्स ट्रूली XYZ. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, ठीक है. और स्टोरी और एप्लीकेशन आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी और याद भी करनी है. स्टूडेंट्स स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.